हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी 3:09 हो रहे और मैं जा रही हूँ, अभी कुछ स्टिच करना है। मम्मी के सलवार है तो मैं स्टिच करती हूँ थोड़ी बहुत, तो मैं थोड़ा स्टिच कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और वीडियो में बने रहिए। मम्मी का सलवार है जिसका नीचे मोड़ी लगाना रह गया था, तो मैं वो मोड़ी कंप्लीट सलवार पूरी पूरी सिल गई है और बस नीचे का रह गया था, तो वही नीचे का मैं कर रही हूँ। क्योंकि नीचे का ये नहीं आया था, इसको बकरम बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट ये नहीं आया था तो मम्मी से मंगवाई हूँ, मम्मी से लगाने जा रही हूँ। ठंडी की सलवार है तो सूट सिल के रख दी हूँ, और मतलब सलवार रह गई थी तो सलवार को अब कंप्लीट कर रही हूँ जब ठंडी चली गई है। और फिर अभी फिलहाल सी देती हूँ क्योंकि अभी उतनी ठंड, मतलब अब धीरे धीरे, और फिर मैं सी के आपको दिखाती हूँ कैसा है। एक पैर का मैं सी दी हूँ नीचे, और ऑलमोस्ट एक पैर का और रह गया है, सेम ऐसे ही सिलता है। नीचे से कपड़ा लाने कपड़ा लेके जा रही हूँ ऊपर, नीचे सुखाने के लिए लाई थी, मतलब नीचे धूप था तो सुखाने के लिए डाली थी। तो 5 बजे अब चाय बनाने का टाइम हो गया, और गुलशन दूध लाने गया है बाबू का, क्योंकि बाबू गाय का दूध पीता है, तो गाय का दूध पिलंजे में मिलता है। पिलंजी दूर है, यहाँ से 1 किलोमीटर है, तो जाने में टाइम लगता है, तो वो जाता है। मम्मी भी जाती है कभी कभी, मम्मी चली जाती है कभी कभी, गुलशन चला जाता है कभी कभी, मैं भी चली जाती हूँ। तो वो गया है, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। मतलब बता नहीं सकते, मैं कहीं जाऊँ तो मुझे कुछ खाना दे या ना दे चलेगा, लेकिन चाय जरूर मुझे दे।